मास्टर ऑफ हॉरर जेनिफर। आज की कहानी की शुरुआत में हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उनमें से एक ऑफिसर फ्रैंक जब अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और नदी की तरफ देखता है, तभी उसे एक आदमी नजर आता है जो कि एक लड़की को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा था और उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू भी था और उस चाकू से वो आदमी उस लड़की का गला काटने वाला था। ये देखकर फ्रैंक उस आदमी पर अपनी गन तान देता है और उस आदमी से कहता है कि उस लड़की को न मारे। उस पर वो आदमी पुलिस वाले फ्रैंक से कहता है कि उसे अभी तक पता नहीं है कि ये लड़की क्या चीज है, इसीलिए ये लड़की जो भी है इसका मरना बहुत जरूरी है। और ऐसा कहकर जब वो आदमी उस लड़की के सर को धड़ से अलग करने वाला ही होता है, तभी फ्रैंक उस आदमी को शूट कर देता है और उसे दो गोलियां लगती है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। उस आदमी को शूट करने के बाद जब फ्रैंक उस आदमी को चेक करने जाता है, तभी वो आदमी अचानक से फ्रैंक को पकड़कर जेनिफर कहता है और उसके बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। तभी गोलियों की आवाज सुनकर फ्रैंक का साथी भी वहां पर आ जाता है और फ्रैंक से पूछता है कि ये तुमने क्या कर दिया है। तो फ्रैंक उसे बताता है कि ये आदमी उस मासूम लड़की को मारना चाहता था, इसीलिए फ्रैंक को उस आदमी को शूट करना पड़ा। साथ ही फ्रैंक देखता है कि वो लड़की काफी डरी हुई थी, इसीलिए फ्रैंक उस लड़की को उठाता है और जब फ्रैंक उस लड़की की शक्ल को देखता है तो काफी डर जाता है क्योंकि उस लड़की की शक्ल काफी अजीब थी। इसके बाद हिम्मत के साथ फ्रैंक उस लड़की के हाथों को खोलता है जो रस्सियों से बंधे होते हैं और ऐसा करते समय उस लड़की का नाखून फ्रैंक को लग जाता है जिससे फ्रैंक के हाथ में एक स्क्रैच आ जाती है। लेकिन फ्रैंक देखता है कि वो लड़की काफी डरी हुई होती है और उसके बाद वो लड़की फ्रैंक को गले लगा लेती है और फिर फ्रैंक उसको वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अगले दिन फ्रैंक का सीनियर ऑफिसर शेरिफ फ्रैंक से पूछता है कि आखिर तुमने उस आदमी को गोलियां क्यों मारी। इस पर फ्रैंक बताता है कि उस लड़की की जान बचाने के लिए उसे ऐसा ना चाहते हुए भी करना पड़ा और फ्रैंक को लगता है कि शायद वो कोई चोर था जो उस लड़की को लूटना चाहता था। फिर फ्रैंक का सीनियर शेरिफ फ्रैंक को बताता है कि वो आदमी जिसको तुमने गोली मारी थी वो एक होमलेस था, लेकिन उससे पहले वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था और किसी कारण की वजह से उस आदमी का पूरा बिजनेस ठप हो गया। इसके बाद फ्रैंक वहाँ पर जेनिफर को देखता है। उस लड़की से पूछताछ के लिए वहाँ पर उसको बुलाया गया था। फिर जेनिफर फ्रैंक को देखती है और ऐसे इशारे करती है कि मानो वो उसे पसंद करने लगी हो। फिर शाम को फ्रैंक अपने घर जाता है जहाँ पर जेरी नाम की लड़की उसे हाय करती है क्योंकि वो उसके पड़ोस में ही रहती है। उसके बाद अंदर जाकर फ्रैंक अपनी बीबी से मिलता है और उसको बताता है कि आज उसने एक आदमी को मार डाला। फिर उसकी बीबी उससे कहती है कि ये तो तुम्हारा काम है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी उनका बेटा वहाँ पर आता है और वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि फ्रैंक और उसकी माँ से उसका कोई मतलब ही नहीं है और वो खाने का कुछ सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फ्रैंक बाथरूम में जाता है अपने घाव को साफ करने के लिए और फिर वो बेडरूम में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही होती है और फिर ये दोनों बेड पर लेट जाते हैं। और फिर यहाँ फ्रैंक की पत्नी फ्रैंक को थोड़ा अच्छा फील करवाने की कोशिश करती है क्योंकि वो जानती है कि आज फ्रैंक का दिन कुछ अच्छा नहीं गया और बातों ही बातों में दोनों गर्म हो जाते हैं और फिर गपागप शुरू कर देते हैं ताकि फ्रैंक का मूड थोड़ा ठीक हो जाए। और फ्रैंक जब गपागप कर रहा होता है तो वो जेनिफर के बारे में सोच रहा होता है जिसकी वजह से अनजाने में फ्रैंक थोड़े से तेज झटके मार देता है और इसकी बीवी को दर्द हो जाता है जिससे उसकी बीवी काफी डर जाती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है। उसके बाद अगले दिन फ्रैंक ऑफिस में जाता है और अपनी कलीग से जेनिफर के नाम की फाइल मांगता है। इस पर उसकी कलीग उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें जेनिफर की फाइल क्यों चाहिए। इस पर फ्रैंक अपने कलीग से कहता है कि वो बस देखना चाहता है कि वो जेनिफर ठीक है या नहीं, जिस पर फ्रैंक को उसकी कलीग बताती है कि वो पास के ही मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, इसलिए फ्रैंक उस लड़की से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है और जब जेनिफर फ्रैंक को देखती है तो वो उसे गले लगा लेती है। इससे फ्रैंक को उस लड़की पर काफी दया आ जाती है और वो फैसला करता है कि उस लड़की को अपने साथ ही रखेगा। उसके बाद फ्रैंक उस लड़की को हॉस्पिटल से रिहा करवा के अपने घर ले आता है। उसके बाद फ्रैंक इस बारे में अपनी बीवी को बताने जा रहा होता है लेकिन उसकी बीवी सो रही होती है। और उसके बाद फ्रैंक अपने बेटे के पास जाता है लेकिन वो भी दरवाजा नहीं खोलता, जिस वजह से फ्रैंक उस जेनिफर लड़की को बोलता है कि आज तो तुम्हें सोफे पर ही सोना पड़ेगा। और सुबह होते ही वो उस लड़की के लिए एक घर ढूंढने जाएगा। इस पर जेनिफर कुछ नहीं कहती और वो चुपचाप वहीं बैठकर फ्रैंक के घाव को चाटने लगती है। ऐसा देखकर फ्रैंक थोड़ा घबरा जाता है और फिर जेनिफर से कहता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए और उसको सुलाकर फ्रैंक वहां से चला जाता है। फिर रात को जेनिफर की आंखें खुलती हैं और उसको एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है जिसे देख जेनिफर उस बिल्ली का पीछा करती है और उस बिल्ली को डराकर भगा देती है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनिफर जितनी मासूम लगती है वो उतनी मासूम है नहीं। उसके बाद जब फ्रैंक गहरी नींद में सो रहा होता है तो उसे जेनिफर का ही सपना आता है। तभी अचानक फ्रैंक की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि जेनिफर उसके कमरे में नंगी खड़ी हुई है। ये देखकर फ्रैंक हैरान हो जाता है और वो जेनिफर से कहता है कि तुम बाहर जाकर सो जाओ। तभी फ्रैंक की बीवी वहां पर आ जाती है और वो जेनिफर का वियर्ड सा चेहरा देखकर डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है और माँ की चिल्लाने की
आवाज सुनकर फ्रैंक का बेटा भी वहां पर आ जाता है और वो भी जेनिफर का चेहरा देखकर जोर से चिल्ला देता है। उसके बाद फ्रैंक अपनी बीवी को शांत कराता है और बोलता है कि इस लड़की का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए उस लड़की की मदद करना चाहता था और इसीलिए वो उसे अपने घर ले आया। इस पर फ्रैंक की पत्नी फ्रैंक से बोलती है कि वो उस लड़की को तुरंत उस घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि जेनिफर को देखकर फ्रैंक की बीवी को ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि आगे चलकर वो उनके लिए मुसीबत बन सकती है। उसके बाद अचानक से जेनिफर उसकी पत्नी को किस कर लेती है और जैसे ही जेनिफर फ्रैंक की पत्नी को किस करती है, फ्रैंक की पत्नी बोलना बंद कर देती है। उसके बाद फ्रैंक जेनिफर को लेकर उसके लिए घर ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उसे जेनिफर पर दया भी आ रही होती है, इसीलिए वो जेनिफर को छोड़ना भी नहीं चाह रहा था। फिर फ्रैंक उस लड़की को नदी के पास ले जाता है और उसे बोलता है कि वो उसे छोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन अब उसे ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि फ्रैंक की पत्नी नहीं चाहती कि वो लड़की उनके साथ रहे। और ऐसा सुनकर वो लड़की जेनिफर फ्रैंक का हाथ पकड़ती है और अपने सीने पर रख लेती है। ये देखकर पहले तो फ्रैंक उसे मना करता है, लेकिन जेनिफर फ्रैंक के साथ जबरदस्ती करने लग जाती है और वो फ्रैंक को इतना गर्म कर देती है कि फ्रैंक उसकी बातों को मना ही नहीं कर पाता। और ऐसा करते हुए देख फ्रैंक को उस लड़की पर और प्यार आ जाता है और अब तो फ्रैंक उस लड़की को बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहता था। फिर रात को फ्रैंक जेनिफर को वापस अपने घर पे ले आता है और जब फ्रैंक की पत्नी उस लड़की को देखती है तो वो फ्रैंक से पूछती है कि ये दोबारा उस लड़की को वापस क्यों ले आया। तभी उस लड़की जेनिफर को दोबारा से घर के अंदर से एक बिल्ली की आवाज आती है और बिल्ली की आवाज सुनकर जेनिफर घर के अंदर भागती है और बाहर फ्रैंक और उसकी पत्नी लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों को बिल्ली की चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो दोनों ऊपर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि जेनिफर ने उस बिल्ली को मार दिया है और वो उस बिल्ली का मांस खा रही है। और ये सब देखकर फ्रैंक की पत्नी काफी डर जाती है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर फ्रैंक जेनिफर को उसकी इस करतूत के लिए काफी डांटता है, जिससे जेनिफर काफी सहम जाती है और फिर फ्रैंक को उस जेनिफर का सहमा हुआ चेहरा देखकर उस पर दया आ जाती है और उसके बाद फ्रैंक उसे माफ कर देता है। फिर जब रात को फ्रैंक सो रहा होता है तो जेनिफर उसके कमरे में आती है और फ्रैंक को गर्म करने लग जाती है और जेनिफर फ्रैंक को इतना गर्म कर देती है कि दोनों घपाघप करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन वो छोटी बच्ची एमी अपने घर के बाहर खेल रही होती है तो जेनिफर उससे मिलने के लिए जाती है। फिर वो छोटी बच्ची जेनिफर का चेहरा देखती है और हंसती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर जेनिफर उस लड़की पे घूरती है और उसको अपने साथ ले जाती है। फिर रात हो जाती है और फ्रैंक को दिखाते हैं जो कि एक बार में बैठा दारू पी रहा होता है और उसने बहुत ज्यादा दारू पी ली होती है, क्योंकि अब फ्रैंक ने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। फिर रात को फ्रैंक जैसे तैसे करके अपने घर पे पहुंचता है और जेनिफर को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। फिर तभी फ्रैंक को बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं, इसलिए फ्रैंक वहां पर जाकर देखता है और वहां पर जाकर फ्रैंक को पता लगता है कि जेनिफर ने उस छोटी बच्ची एमी को मार डाला है और उसका मांस खा रही है। ये देखकर फ्रैंक काफी डर जाता है और उसे जेनिफर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो जेनिफर को बहुत ज्यादा पीटता है और उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका कत्ल नहीं कर सकता था और वो उसे नहीं मारता। फिर अगले दिन फ्रैंक एक सर्कस में जाता है और सर्कस के मालिक से जेनिफर को रखने का सौदा करता है, क्योंकि जेनिफर उस सर्कस के शो में काफी काम आ सकती थी। फिर फ्रैंक उस सर्कस के मालिक को कुछ पैसे देता है और अपने घर की चाबी देता है और उससे कहता है कि वो लड़की उसके घर में बंद है, वो जाकर रात को चुपके से उस लड़की को वहां से ले आए। फिर शाम को जब फ्रैंक अपने घर जाता है और देखता है कि जेनिफर कहीं नहीं है तो उसे लगता है कि शायद सर्कस का मालिक जेनिफर को उठाकर ले गया होगा और उसे लगता है कि वो अब टेंशन मुक्त है। और कुछ पीने के लिए जब फ्रैंक अपना फ्रिज खोलता है तो फ्रैंक को उस फ्रिज में उस सर्कस के मालिक की लाश मिलती है, जिसे जेनिफर ने बेरहमी से मार दिया था और उसे खाया भी था। ये देखकर फ्रैंक डर जाता है और फिर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस सर्कस के मालिक को वहां पर गाड़ देता है। इसके बाद फ्रैंक फैसला करता है कि वो जेनिफर को इतनी दूर ले जाएगा ताकि वो किसी इंसान को ना मार सके। इसीलिए अगली सुबह फ्रैंक अपना सामान पैक करता है और जेनिफर को लेकर अपने पुराने घर पे आ जाता है, जो कि जंगलों के बीचों बीच था। फिर फ्रैंक जेनिफर से कहता है कि अब से हम दोनों यहीं पर रहेंगे ताकि जेनिफर यहां पर रहने की आदत डाल ले। फिर फ्रैंक जेनिफर को बताता है कि पास में ही एक टाउन है जहां पर वो जॉब ढूंढने के लिए जा रहा है और उसकी गैर मौजूदगी में जेनिफर उस जगह को छोड़कर कहीं भी ना जाए। फिर अगले दिन फ्रैंक उस टाउन के एक स्टोर में जाता है जहां पर एक आदमी की जरूरत होती है और फ्रैंक उस स्टोर के मालकिन से बात करता है तो उसकी मालकिन बताती है कि उनको एक साफ सफाई के लिए एक आदमी की जरूरत है। ये सुनकर फ्रैंक कहता है कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है। उसके बाद वो लेडी फ्रैंक को जॉब पर रख लेती है और उसके बाद फ्रैंक वहां पर काम करना शुरू कर देता है। और फिर शाम को फ्रैंक खाने पीने का सामान खरीद कर अपने घर पे वापस जाता है जहां वो जेनिफर को देखता है जो कि उसी कैबिन में थी। अगले दिन जब फ्रैंक काम पर होता है तो वो देखता है कि उस मालकिन का बेटा अपनी माँ से इजाजत मांग रहा होता है अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे से कहती है कि स्टोर में अभी बहुत ज्यादा काम पड़ा है और वो अकेले उस काम को नहीं निपटा सकती। ये सब बातें फ्रैंक सुन रहा था।
उसके बाद फ्रैंक उस लेडी से कहता है कि वो अपने बेटे को जाने दे और उसके बदले में फ्रैंक वो सारा काम कर देगा ताकि उसका बेटा एंजॉय कर सके। उसके बाद मालकिन का बेटा खुश हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकल जाता है। फिर उसके बाद फ्रैंक जब अपनी मालकिन के साथ काम कर रहा होता है तो जेनिफर वहाँ पर चुपके से आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है। जेनिफर को लगता है कि शायद फ्रैंक अपनी मालकिन को पसंद करने लगा है, इसीलिए जेनिफर को उन दोनों को साथ में देखकर जलन होने लगती है और फिर जेनिफर वापस कैबिन में चली जाती है। उसके बाद फ्रैंक की मालकिन फ्रैंक से पूछती है कि वो कहाँ पर रहता है, जिस पर फ्रैंक अपनी मालकिन को बताता है कि उसका जंगल में एक कैबिन है जहाँ वो अपनी बेटी के साथ रहता है और उसकी बेटी को एक बीमारी है इसीलिए वो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं लेकर आता। इस पर फ्रैंक की मालकिन फ्रैंक को कहती है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और अब यहाँ पर फ्रैंक झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसकी इमेज डाउन ना हो जाए। इधर फ्रैंक की मालकिन का लड़का दोस्तों के साथ पार्टी में होता है और जब उसे टॉयलेट आती है तो वो जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को बैठे देखता है और वो लड़की उसे बुला रही होती है। और जब वो लड़की मुड़कर देखती है तो हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिफर है। और उसके बाद जेनिफर उस लड़के का गला दबाकर उसे मार देती है ताकि वो उसके माँ से बदला ले सके। अब जब फ्रैंक वापस घर आता है तो उसको जेनिफर कहीं नहीं मिलती। तभी फ्रैंक को बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती है तो वो जाकर देखता है कि जेनिफर उसके मालकिन के बेटे को मारकर उसका मांस खा रही होती है। और जेनिफर को ऐसा करते हुए देखकर फ्रैंक काफी डर जाता है और वो फैसला करता है कि जेनिफर को मार डालेगा। और उसके बाद जब फ्रैंक जेनिफर को मारने वाला होता है तो वहाँ पर एक हंटर आ जाता है जो फ्रैंक को देख लेता है और उस हंटर को ऐसा लगता है कि शायद फ्रैंक उस लड़की पर अत्याचार कर रहा है। और उसके बाद वो हंटर फ्रैंक को शूट कर देता है और आकर जेनिफर को देखता है, लेकिन तभी फ्रैंक उस आदमी को पकड़ता है और उसको जेनिफर का नाम बताकर मर जाता है जैसे कि बूढ़े आदमी ने स्टार्टिंग में फ्रैंक को बताया था। और जब वो हंटर जेनिफर का चेहरा देखता है तो वो भी घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही जेनिफर उस आदमी के हाथ पर हाथ रखती है तो मानो जैसे वो आदमी पजस हो जाता है और उसे जेनिफर की हालत पर दया आने लगती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मॉन्स्टर ठीक 2016 की मूवी सायरन के मॉन्स्टर की तरह है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।